बलोचिस्तान हुकूमत का कोरोना केसेस बढ़ने पर तालीमी इदारे बंद करने पर गौर, जबकि पंजाब के वजीर तालीम ने कोरोना केसेस में इजाफे का ताल्लुक स्कूलों से जोड़ने को गलत करार दे दिया। बलोचिस्तान हुकूमत सिंध के वजीर तालीम सईद गनी के मौकफ की ताइद करते दिखाई देती है। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी का कहना है कि विफाक से इत्तफाक करते हुए तालीमी सरगर्मियां बहाल की, लेकिन स्कूल खोलने पर हमारे तहफ़ुज़ात थे और तालीमी इदारों में कोरोना केसेस बढ़ने की सूरत में मसाइल पैदा होंगे। लियाकत शाहवानी ने अपने एक बयान में कहा कि बलोचिस्तान के तमाम तालीमी इदारों में कोरोना SOPs पर अमल हो रहा है, ताहम जिन तालीमी इदारों में कोरोना केसेस सामने आए हैं उन्हें बंद कर दिया गया है, क्योंकि हमने तलबा को इस आलमी वबा से बचाना है। दूसरी जानिब पंजाब के वजीर तालीम मुराद राज का मौकफ बिल्कुल मुख्तलिफ है। उनका कहना है कि तालीमी इदारे खोलने से कोरोना केसेस बढ़ने की खबरों में कोई सदाकत नहीं। वजीर तालीम पंजाब ने कहा कि कोरोना वायरस के हवाले से तालीमी इदारों को देख रहे हैं। मुराद राज ने वाजे किया कि अगर किसी तालीमी इदारे में कोरोना वायरस का कोई केस सामने आया तो इस पर फौरी तौर पर एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि तालीमी इदारों को मरहलावार खोलने के हवाले से कोई कन्फ्यूजन नहीं और इस हवाले से तमाम फरीकैन को बता दिया गया है।